एक अक्टूबर का इलेक्शन है, शक्ति प्रदर्शन काटने शुरू कर दिए हैं और आज मिल गए टेरिया में शक्ति प्रदर्शन निकाल दिया है भाई विनय वत्स ने। कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, कई साल हो गए तैयारी करते, उम्मीद है कि टिकट मिलेगी, लेकिन कैंडिडेट बहुत है, लेकिन बातचीत कर लेंगे। आज सबसे पहले तो ये देखो कि भीड़ कितनी है, एक एक बाइक के ऊपर दो दो तीन तीन मानस चढ़ रहे हैं। कानून का तो उल्लंघन हुआ, लेकिन भाईचारा जो है वो स्पष्ट देखने के लिए आया है सामने की भाई साहब इतने सारे लोग जो है वो साथ में हैं, और गाड़ी कितनी है वो आप देख लो, लोग कितने वो आप देख लो, बाइक कितनी है वो आप देख लो। भाई एक नारा देते हैं कि भाई ठाटा भाईचारा, ठाटा व्यवहार आज वो मिलगेट में देखने के लिए नजर आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जान से मारने की धमकी भी मिली है कि भाई साहब इलेक्शन लड़ना जो है वो बंद कर दो, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन लगाई एसपी साहब के पास में, गनमैन प्रोवाइड हुआ है और बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो विनय भाई साहब आज आपने शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया और इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। भाई मैं इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहूंगा, यह है मेरे भाईचारे की ताकत। अरे यह ताकत दिखानी मैंने जरूरी होगी थी, क्योंकि कुछ आपराधिक तत्व है ना, उनमें मैं सुहान कौन लाग रहा, उनका नू हो रही है कि इसने कुकर दबा दबन वाला दिन तो मैं पैदा ही नहीं होया। कदे किसी भाई का बहम हो, मैं वो करता हूँ जो मेरा जी कर है। मेरे ऊपर भाईचारे का माता रानी का इतना ठाडा आशीर्वाद है, कदे किसी का बहम हो तो अगर बहम आपका काट के देख लेगा। आज मेरा कोई मूड नहीं था ये शक्ति प्रदर्शन करने का, लेकिन जब मेरे को ये लगा कि अब जरूरत है, घरा बैठनिया में सको नहीं मैं कि मैं डर के घरा बैठ जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है विनय जी, आप तो अब पिछले 5 साल से राजनीति के अंदर आए हो, लेकिन बड़े बड़े धुरंधर पड़े जिनको 20-20 साल हो गए। नाम बता देता हूँ, रामनिवास गोडेला, राजेंद्र सूरा और जोगीराम सियाग, काफी सालों से इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। आप पिछले 5 साल से सक्रिय हुए, कैसे टक्कर दोगे इन बड़े बड़े नेताओं को? भाई कदे तो उनने भी शुरुआत करी थी, लेकिन सीधे रामनिवास गोडेला जोगीराम हो गए थे, समझे? शुरू वाला इलेक्शन तो उनने भी लड़ाई था, वो इलेक्शन जो जिताने वाली जनता है ना वही आखिरी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे हो, क्या गारंटी आपको टिकट मिलेगी? गारंटी तो भाईचारा फिर वही बात, किसका गल है, डाल डाल के चेहरे दिखेंगे सारे भाई साहब, एक बार देख लियो कदे किसी का बहम हो। पूरे विनय भी है जो ब्राह्मण है, पूरा जाट भाई भी है, पूरा चौहान भाई भी है, पूरा गुज्जर भी है, पूरा सैनी भी है, पूरे चमार धानक नाई खाती जो सारा भाईचारा जिसको कहते हैं ना वो है यहाँ। अगर अगर पिछली बारी आपकी टिकट कट गई थी जेजेपी से, अब की बारी अगर कांग्रेस से टिकट कट गई तो क्या आजाद उम्मीदवार लड़ने की कोशिश करोगे? भाई मैं टिकट कटने की सोचने को ला रहा है, बात तो बाद में पूछियो कटे बाद, पहला तो इब्बे तो हम टिकट पे पहला दावेदार, पहला आदमी जिन्हें है, और टिकट जिस दिन कट जाएगी उस दिन इस बात का भी जवाब दे दूंगा कि आगे क्या करना। लेकिन परवाड़ा हल्के के अंदर कुमार ज्यादा है, बैकवर्ड का नेता भी बना दिया, अगर रामनिवास गोडेला जी को आगे बड़ा कर दिया है, आप उसको किस प्रकार देखते हैं? आपकी पार्टी के अंदर है बड़े बड़े, एक ही तलवार के अंदर, एक ही म्यान के अंदर इतनी सारी तलवारें कैसे शामिल होगी? भाई मैं बैकवर्ड का भी नेता हूँ, जितने समझा ना बैकवर्ड भाई, शेड्यूल कास्ट भाई मेरे दौरे बैठे न, इतने उनकी कोठी के लोगों को भी कुंठ पते होंगे। यहाँ क्या है, मैंने एक बात आपको स्पष्ट तौर पर बताई कि आप एक बार चेहरे दिखा दो, यहाँ आपको जनरल बैकवर्ड या ऐसी नहीं दिखाई देंगे, यहाँ दिखाई देंगे भाईचारा, बस एक ही बात। महाराज ठाडा किसी का भाईचारा हो टिकट उसने दे दो, महाराज बढ़िया व्यवहार किसी का हो वोट उसने दे दियो, भाई सीधी सी बात है। विनय से तकलीफ किसको? आपको कल धमकी मिली है, आपको गनमैन प्रोवाइड किया एसपी साहब ने, धमकी कहाँ से आई है, किस प्रकार आई है, किसको तकलीफ है आपकी राजनीति में आने से? भाई मेरा के है जिसका तकलीफ है ना, उसकी तकलीफ मैं आप मेट दूंगा। मैं तो माता रानी का हाथ जोड़ कर नुकया करूँ, जब मेरा दुश्मन ने भी से दूंगा ना तो मैं से दूंगा, तय उसका बुरा ना करिए, समझ गया? तो मैं उसको भी देखूंगा, सबको मेरे को इतना सक्षम तो बनाया है मेरे परिवार ने, मेरे भाईचारे ने, कि मैं किसी से घबरानी आपको नहीं। सुनने में ये भी आता है कि हुड्डा साहब के पास में जाते हैं, सबको थापी मार देते हैं, बोला टिकट आपकी, आप कभी थापी टुप्पी मारी है क्या? भाई थापी की जरूरत को नहीं, थापी मारेंगे उसके जिन पर नू दिखेगा कि इसके गलत नहीं रहे, इलेक्शन लगभग होए राख। सवाल ये भी खड़ा होता है, जब बड़ी बड़ी रैलियां होती है, शक्ति प्रदर्शन होते हैं पैसे लेके, और कुछ बंदे दिहाड़ी की मजदूरी के ऊपर बुलाए जाते हैं, कहीं आज आपने भी तो ऐसा ही नहीं तो नहीं किया है? भाई ये बात मैं कोई चेहरे बताऊंगा, इनमें से आपने कोई नू लग गया ना कि दिहाड़ी में आ रहा है तो ये अपना बता देंगे, ये सारे वे भाई हैं। सारे मिलगेट के लोग है जी, सारे मिलगेट के लोग है, सारे मिलगेट के लोग है जी, कोई भी यहाँ पे दिहाड़ी लेके को नहीं आ रहा,
और एक बात और है, आप पूछते हो कि आप ये कहते हो कि टिकट मिलेगी, 20 साल में 5 साल भारी पड़ रहे हैं, 20 साल में 5 साल भारी पड़ रहे हैं बिना भाई के, जो ठाडे भाईचारे की ताकत है यार। हमने तो ये देख लिया या तो थोड़ी भाई साहब की टिकट कट गई नहीं तो अबकी बार टिकट भाई साहब को मिलनी थी। ये भाई साहब को मिलनी थी टिकट बरवाला हल्के की, यो बस थोड़ी चूक होगी। हाँ अरे आपकी बात, आपकी बारी भी चूक हो जाए ना, ना ना आपकी बार पक्का, आपकी बारी पक्का है। विनय जी, लोगों की आस आपके ऊपर है, क्या कुछ करोगे, किस प्रकार विकास होगा बरवाड़ा का? भाई विकास का नाम लेने से नहीं बनता विकास, ये विकास के जो हमेशा झूठे नारे दे के वोट ले ले ना, तो मैं झूठे कहूँ, मैं तो नू कहूंगा एक बार मैंने मौका दे दो, एक साल में अगर मैं इस सारे क्षेत्र की काया कल्पना कर दूं तो सारे भाई मैंने चंडीगढ़ ले जाके नू कह दियो चल इस्तीफा दे, मैं एक साल में ही इस्तीफा दे दूंगा, काम नहीं कर पाया। ये बात तो जोगीराम सियाग जी भी बोलते थे जिस टाइम पे किसान आंदोलन हुआ, तो उन्होंने कहा भला मैं मेरे कौन से किसानों ने वोट दिए थे, मैं तो लोगों ने वोट दिए थे की वजह से मैं लग रहा हूं, मैं क्यों इस्तीफा दूं, देख लेना कभी आप भी उन्हीं हालातों के ऊपर आ जाओ। भाई मैं जब दुष्यंत ने भरी थाली के ठोकर मारे आया, अगर मैं ईसाई हूं ना तो 5 के 5 साल काटूं, मैंने 3 साल में छोड़ने की जरूरत कौन थी, मैंने जद भी भाई खतरे छोड़ा था, दुष्यंत को सीधा एक बात कही थी जितनी लाके गल है नू कहा था भाई काम भाईचारा के बनेंगे तर कर ले, हाँ मारे कहने से भाईचारा ने वोट दिए, जब दिन ने नू कहा भाई काम ठीक कौन बनने लागे, तो आधी सत्ता में हमने उसी सत्ता के ठोकर मारने का काम किया था, जब वो भाईचारा दोबारा मार गला जुड़ रहा है नहीं हमने दोबारा ने भाई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कांग्रेस की तरफ से हो या फिर किसी और भी पार्टी की तरफ से हो, सुनने के अंदर आता है कि भाई टिकट जो मिलती है वो सूटकेस से लेके मिलती है, क्या आपने अपने सूटकेस तैयार कर लिए? भाई ना तो मिलती टिकट सूटकेस से, अगर सूटकेस से टिकट मिले ना तो 90 के 90 विधानसभा में बनिए भाई जो थे ना हमारे वे MLA होने थे, क्योंकि हो रहा था तो उनसे भारी सूट के सही को नहीं किसे दो रहे, टिकट मिलती है भाईचारे को, टिकट मेरे को नहीं देंगे, टिकट देंगे इनको भाईचारे को, और टिकट इनको देंगे ना तो यही तो जितावेंगे उस टिकट ने, यही लेकर जाऊंगा मैंने विधानसभा। मैं तो एक बात और कही थी खुले छोड़े कि जिस दिन मैं जीतूंगा पहली 500 गाड़ी भाईचारा की भरकर लेकर चलूंगा माता रानी के धोखमान दर्शन देवी, उसके बाद जाऊंगे विधानसभा में शपथ ले, तो यो भाईचारा मेरी बात ने बड़ा पकड़ा है इन्होंने के वीर ने कह दिया लो पर लगी है। तो जोगीराम सियाग ने पिछले 5 साल के अंदर कितना विकास किया कितना विनाश किया किस प्रकार देखते हैं? वो मैं कौन बताऊं, मैं किसी की बुराई करके चल रही आदमी को ना मैं किसी ने डरांदा ना धमकांदा, मैं तो जोर दिखाया करूँ वो मैं दिखाने लग रहा हूँ, और जोर दिखा के टिकट मांगा, जोर दिखा के भाईचारा का कहने लग रहे हैं कि भाई हमने दो आम देवांगे टिकट तारी जोड़ी में गल करें। लेकिन सुनने के अंदर आता है कि भाई सर्वे की रिपोर्ट आएगी, सर्वे के अंदर विनय वत्स कहां फिट बैठता है? भाई के मेरा हमने बेरा को नहीं, कौन सर्वे कर रहा है, किसकी सर्वे है, जिसने सर्वे साथी सर्वे देखनी है वह तो उरा जो, और जिन्हें झूठी सर्वे देखनी है वो जो रिपोर्ट दे ला रहे उनकी देख लो, हम तो सच्ची दिखा के मांगा। जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए यही मैसेज है, मैं हूँ तारा भाई तारा बालक तारा बेटा, मेरा खातर ये हमारे बुजुर्ग है ना, दिखाओ एक बार, ये भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे पिता जैसे हैं, अरे इनके जो बेटे हैं ना, अरे इनके जो पोते हैं वे भी मेरा भाई कम है, तो यो है मेरी ताकत। तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि ये भाई है ना 3 पीढ़ियां मेरे साथ है, वही 3 पीढ़ियां का खेल है जो सारे उम्र इकट्ठे आ रहे हैं। चलो आज आपका जन्मदिन भी है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज आपने शक्ति प्रदर्शन निकाला है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।